अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पे किसान लोग हैं जो युवाओं को रोजगार देने का काम करने के विषय में हैं। पहले तो हम नाम पता करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रियाज राणा है और आपका स्वागत है हमारे। आप धन्यवाद, हमारे आंदोलन को आपने चार चांद लगाए। किसानों का जो ये आंदोलन चल रहा है किस विषय में है जी? ये हमारी मांगे, तीन मांगे हैं। कैसे? नंबर एक, जिस किसान की जी जमीन गई है, जिस फैक्ट्री में भी गई है जी, ये एक जियो है, कानून है और ये हमारा हक है। उस बच्चे को जैसी योग्यता है वैसी लगाने का काम करें, नौकरी पर देने का काम करें। बेरोजगार हमारे बच्चे घूम रहे हैं, हमें भूमिहीन कर दिया, हमारे किसानों को भूमिहीन कर दिया, जिससे हम रोज़गार चलाते थे वो रोज़गार हमारा ख़त्म हो गया। हम भैंसे रखते थे, हमारा चारा होता था, हमारा गेहूँ होता था, हमारा धान होता था, वो हमारा ख़त्म हो गया रोज़गार। अब हमें रोज़गार तो चाहिए जी, हमारे बच्चे को रोज़गार चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े तो पूर्वज तो गए, ख़त्म हो गए, अब उनके बच्चे हैं, उनको रोज़गार चाहिए। अब ये रोज़गार दे नहीं रहे। मतलब आपका कहना है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको जो यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए। ये क्या करते हैं कंपनी वाले, बाहर के लोगों को लाते हैं 200-250 किलोमीटर के, उन्हें जॉब देते हैं। देखिए, सबसे पहला मुद्दा किसानों का जी, जिन किसानों की जमीन गई है ठीक है, जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं जी, उनको किसानों को लगाने का काम करें। वो तो हमारे सारे ही लगेंगे किसान। अब रही हमारे क्षेत्र के नवयुवक जो पढ़े लिखा लड़के बच्चे हैं जो दर दर घूम रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, अगर हमने की तो ये क्या बाहर निकल जाएंगे? आज 23 साल 24 साल इन फैक्ट्रियों को लगे हुए हो गया, एक भी फैक्ट्री वाला ये बता दे कि इस क्षेत्र के आदमी ने कोई बदतमीजी की है, कोई गुंडागर्दी की है। लेकिन ये हमें लोकल कह के हमें बदमाश बताते हैं। ये इनकी तो औकात क्या है, इनकी औकात हम बता देंगे। आज हम हवन किया, हमने हम महापंचायत करेंगे और महापंचायत करने के बाद अंदर घुसेंगे और ऐसा भी करेंगे, हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं, आप इसको चलाना, इसको काटना मत, हम इनको नंगा करके बाहर भेजने का काम करेंगे। इनके घर वाले भी इनको नहीं पहचान पाएंगे, इनमें इतने रेपटे लगेंगे कि इनके घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे इनको। रियाज जी, मैं बताना चाहता हूँ, अभी इससे पहले नोएडा में भी हायर कंपनी में, सैमसंग कंपनी में, इन लोगों ने इसी तरह की मनमानी करी और फिर बाद में इसको इन्होंने कहा कि हम आपकी मांगे स्वीकार करते हैं। देखिए, हम तो आंदोलनकारी हैं जी, हम 2003 से लेके जी आज 2022 होगी जी, हम आंदोलन करते आ रहे हैं। ये तो हस्ती क्या है, जो दुनिया की सबसे टॉप हस्ती है अंबानी, उसने हमारे क्षेत्र में रिलायंस के नाम पे प्रोजेक्ट लगाया, उसने ज़मीन ली कोड़ी को दामों में, हमने वो ज़मीन वापसी करा ली और पैसे भी ना दिए, और उसकी हिम्मत हो तो पैसे ले ले। मोदी मिल हो, उसमें हम 8 दिन जेल में रहे, वहाँ मजदूरों का जो हक था वो नहीं दिया जा रहा था, उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही थी, हमने वो तनख्वाह दिलाई। ग्रेटर नोएडा हो, कोई भी हो, हमने आज तक जो भी आंदोलन करे हैं, लोनी हो, हमने जो भी आंदोलन करे हैं, हम सक्सेस हुए हैं और यहाँ भी हम सक्सेस होंगे। अगर ये राजी से मांगने का राजी से, नहीं तो हम रैप्टे से मनाएंगे इसमें। तो आप यहाँ पे युवाओं को रोजगार देना दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन है? देखिए, धरना प्रदर्शन हमारा आज 5 तारीख से 14 तारीख हो गई जी। और ये जो सोच रहे हैं, इनके दिमाग में जो गलत फहमी है, क्योंकि ये काले अंग्रेज बैठ गए, हमारा देश आज़ाद तो हो गया जी, लेकिन इन काले अंग्रेजों से हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। जो ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से उठ कर चले जाएंगे, हमारा एक बड़ा आंदोलन हुआ था किसानों का जो 13 महीने चला, मोदी जी को उस बात को मानना पड़ा, काले कानून वापसी लेने पड़े। अगर यहाँ 13 महीने की जगह 2 साल भी हमें लगे, हम यहाँ बैठेंगे, अपनी बात को मनवा के उठेंगे। ये किसान है, ये किसान कभी पीछे नहीं हटता, जब इसने कदम उठा लिया तो ये किसान अपनी बात को मनवा कर उठेगा, और ये अब हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, किसान को अन्य देवता भी कहा जाता है और ये उनका भी अपमान कर रहे हैं कंपनी वाले, और ये सही बात है और सही इनकी मांग है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। इसी विषय में एक हमारे भाई हैं, हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम महासमरपाल है जी, और ये नंगला गाँव है। जो भी है, पत्रकार महोदय, आपका भी स्वागत है हमारे जो इस धरने में आप आए हो। ये सबसे पहले
हमारी जो जमीन गई है, हमारी मांग है, कोई वैसी मांग नहीं है, जायज मांग है जी। जो जायज मांग है वो तो इन्हें देनी पड़ेगी। पहले जैसे कि जिनकी जमीन गई है जी। उनको रोजगार जी। दूसरा ये जो मृतक हैं, जो यहाँ मृतक हुए हैं ऑन ड्यू टैक्स बार हुए हैं, उनके परिवार के बच्चे को एक को नौकरी। दूसरा ये हमारे साथ में क्या कर रहे हैं, बाहर से भर्ती करके ला रहे हैं, जो हमारे ना युवा पढ़े लिखे हैं उनको नहीं ले रहे। हमें बता देते हैं ये लोकल, ठीक है जी, उसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो इन्होंने मांग माननी पड़ेगी पूरी। मतलब कंपनी के जो मैनेजमेंट हैं वो बोलते हैं यहाँ के लोगों को लोकल लोकल। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ लोकल किसको बोला जाता है। लोकल बोला जाता है कि इसने ओरिजिनल चीज़ बनाई है, उसके डुप्लीकेट, मतलब यहाँ के रोजगार युवाओं को ये लोकल बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल लोकल बताते हैं हमको तो, और जबकि हमारी ज़मीन है, हम तो बिल्कुल ओरिजिनल हैं, अपने माँ बाप से पैदा हैं, अपना हक छीन लेंगे, इन पैसे घेट में हाथ दे कर छीन लेंगे। कहा है किसी बुढ़े ने बुजुर्ग ने, अब जब घी सीधी उंगली से नहीं लिख रहा तो उसको टेढ़ी कर दो। हमारे पास में सिंहों का एरिया जी। ये तो मांग अपनी पूरी करवा ही लेगा, आज ना तो कल, कल ना तो परसों। और ये भी इनको पता होनी चाहिए क्योंकि ये काले अंग्रेज हैं जी। हमारा जो है एक भी कोई भी किसान ऐसा नहीं है कि जो 20 डंडा भी खा के फिर भी खड़ा रहेगा, और इनके एक डंडा भी लग गए तो लुट जाएंगे जमीन पर। क्या करेंगे ये, लूटपाट करवाना चाहते हैं मतलब कंपनी वाले। देखो हमारे बच्चा चोरी नहीं करेंगे, राहजनी नहीं करेंगे जी, और सड़क पर खड़े होकर लूटपाट नहीं करेंगे। क्यों? कि किसान का बेटा है, हमेशा किसान का बेटा कभी भी गलत काम नहीं करता। और रही बात इनकी हमारे मांग की, हमारे रियाज राणा जी हैं, प्रदीप प्रधान जी हैं और अन्य मेरे जितने भी खड़े हैं सारे किसान हैं। और आपको समर्थन भी मिला है? समर्थन भी मिला है, बिल्कुल मिला है। पत्रकार महोदय हमारे समर्थन दे रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि हमारी मांग को गलत नहीं है। नहीं अभी मैंने देखा था, पिछली बार मैं आया था तो आपने बताया था कि यहाँ पे आपको किसानों किसान यूनियन में धरना दिया, वो आपने समर्थन दिया है। देखिए पत्रकार महोदय, हमें किसान यूनियन भानु का भी समर्थन है जी, और किसान यूनियन का भी समर्थन है हमें जी, और महाराणा संग्राम जो समिति है जी उसका भी समर्थन है हमें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे क्षेत्र का हमें समर्थन है। तीसरी मांग मैं आपको और बताना चाहता हूँ जी, क्योंकि ये जितना भी प्रदूषण है वो हम खा रहे हैं रोटी की जगह, और जितना भी पानी प्रदूषित हो रहा है उसको हम झेल रहे हैं, जितनी हवा प्रदूषित हो रही है उसको हम झेल रहे हैं। हमारे किसान वहाँ पीछे आप जाकर देखिए, पीछे अगर आप जाकर देखेंगे एक नाला जा रहा है खचरे से लेकर और नंगले तक, उस नाले में पानी जाता है केमिकल का जी, और वो पानी जब किसान के खेत में जाता है तो किसान जब खेत में बढ़ता है तो उसके पैर गल जाते हैं, वो हम झेल रहे हैं, और फसल नष्ट हो रही है। उसका जो है CSR का जो फंड है, ये कानून है जी, जहाँ भी उद्योग लगेगा उसका 2% विकास के लिए लगाया जाएगा। एक मांग हमारी ये भी है, और आप जाकर देखिए हसनपुर वाले रास्ते पर जाकर देखिए, आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, मोटरसाइकिल नहीं चला पाएंगे, इतने गड्ढे हैं। आप नंगले वाले गांव में जाकर देखिए, वहाँ रोड तो है लेकिन गड्ढे हैं, रोड नहीं है। वो तो रोड जैसा पहले आपसे 50 साल पहले होता था उस तरीके से। हमारे यहाँ हम प्रदूषित कर रहे हैं, हमें सारी चीज़ कर रहे हैं, और हमारा रोड भी नहीं बन रहा, कि हमारा विकास भी नहीं कर रहे, हमें रोज़गार भी नहीं दे रहे, हम पर लाछन लगाते हैं ये लोग। क्या लाछन लगाते हैं ये बताऊँ मैं? हाँ लाछन क्या लगाते हैं आप? लाछन ये लगाते हैं कि लोकल के लड़के हैं, लोकल के लड़के को क्यों लाछन, क्या होता है लोकल, क्या है ये कहना चाहते हैं कि हम गुंडागर्दी करते हैं। अगर हम गुंडागर्दी पर आ गए, गुंडागर्दी अगर हमने की तो ये क्या बाहर निकल जाएंगे? आज 23 साल 24 साल इन फैक्ट्रियों को लगे हुए हो गया, एक भी फैक्ट्री वाला ये बता दे कि इस मैनेजमेंट हाय हाय, मैनेजमेंट हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हजन इसलिए हो रहा है कि इस मैनेजमेंट के जो दिमाग में गोबर बसा हुआ है उसकी शुद्धि करने के लिए ये हवन किया जा रहा है, और अगर इस हवन के बाद भी इनकी बुद्धि में शुद्धि ना आई तो हम गेट में घुसकर अंदर
कंपनी के अंदर मैनेजमेंट को बहाने का काम करेंगे।